हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास ब्रिटानिया कंपनी के सभी प्रकार के बिस्कुट का स्टॉक है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रिटानिया बिस्कुट के बारे में रेट के बारे में बात करेंगे, होलसेल रेट और डिस्ट्रीब्यूटर के रेट के बारे में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते हैं। और कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह है हमारे पास है 10 रुपये वाला, जो 10 MRP का मेरी गोल्ड है। देखिए, ये एक कार्टन में 48 पीस आता है एक कार्टन में। और यह अगर किसी भी होलसेलर दुकान से आप एक दर्जन करके ख़रीदते हैं तो ये आपको 9 रुपया पड़ता है। और आप 48 पीस का कार्टन ख़रीदते हैं तो ये आपको होलसेल दुकान से 420 रुपया कार्टन पड़ता है। 48 पीस का कार्टन 420 रुपया में ये कीना पड़ता है, मतलब एक कार्टन में आपको 60 रुपया मुनाफा हो रहा है। और अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ये अगर 10 कार्टन 15 कार्टन एक साथ ख़रीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से एक कार्टन ख़रीदेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट नहीं मिलेगा। आपको 10 कार्टन 15 कार्टन ख़रीदने पर डिस्ट्रीब्यूटर का रेट मिलेगा आपको 412 रुपया, और होलसेलर दुकान से ख़रीदेंगे तो ये आपको 420 रुपया। लेकिन ये बात को समझिए, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको 1-2 कार्टन ख़रीदने पर डिस्ट्रीब्यूटर रेट नहीं मिलेगा, आपको लगभग 10 कार्टन 15 कार्टन एक साथ ख़रीदना होगा तब आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट मिलेगा, वो है 412 रुपया। फिर देखिए, यह है 40 रुपया का MRP का ब्रिटानिया मारीगोल्ड। देखिए, ये एक कार्टन में आता है, 20 पैकेट का एक कार्टन आता है। और ये अगर आप किसी भी होलसेलर दुकान से 1 कार्टन 2 कार्टन करके ख़रीदते हैं तो ये आपको 710 रुपया पर कार्टन आपको कीना पड़ता है, मतलब 35 रुपया अटेनी करके आपको पर पीस कीना पड़ता है। और अगर आप 10-15 कार्टन एक साथ डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं तो ये आपको 693 पे ये आपको कार्टन कीना पड़ता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर दुकानदार है तो आपको एक कार्टन में 17 रुपया मुनाफा होगा। 693 ये डिस्ट्रीब्यूटर का रेट, और होलसेलर दुकान का रेट है 710 रुपया, मतलब पर पीस 35 रुपीज़ अटेंडिंग करके कीना पड़ता है। फिर देखिए, ये है 30 रुपया का ब्रिटानिया मारीगोल्ड। ये नया बनाया है, बहुत पहले था और बीच में बंद किया गया था, और अभी फिर से ये 30 रुपया का ब्रिटानिया मारीगोल्ड आया है। देखिए, ये भी एक कार्टन में 20 पैकेट का एक कार्टन आता है। और ये अगर आप होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं तो ये आपको 540 रुपया कीना पड़ता है कार्टन, मतलब 27 रुपया पर पीस आपको कीना पड़ता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं 10-15 कार्टन 20 कार्टन 50 कार्टन एक साथ, तब आपको ये 525 रुपया पर कार्टन आपको कीना पड़ता है। साथ ही साथ और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हम रेट बता रहे हैं आप लोगों को, ये हमारे यहाँ का रेट है, आपके यहाँ सेम भी हो सकता है, नहीं तो 5 रुपया कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये कैरिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे वीडियो देखकर उन लोगों का जो लोकल दुकानदार होते हैं उन लोगों के साथ बहस करते हैं कि हमने तो वीडियो में देखा है कि ऐसा रेट, तो आप हमसे ज़्यादा क्यों ले रहे हो। देखिए भाई, ध्यान से इस बात को समझिए, ये कैरिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। आपके यहाँ अगर जो कंपनी से माल आते हुए जो आपके यहाँ अगर कैरिंग चार्ज ज़्यादा हो तो आपके यहाँ, ये स्वाभाविक बात है, आपके यहाँ रेट थोड़ा 5 रुपया ज़्यादा भी हो सकता है। और तो हमने जो रेट बताया तो इससे कम भी हो सकता है, आपके यहाँ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये कैरिंग चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो इसीलिए दुकानदार के साथ बहस मत कीजिए, जिस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। फिर देखिए, ये ब्रिटानिया का 35 रुपया MRP का गुड्डे है। देखिए, ये काजू गुड्डे है और ये वाला है बटर गुड्डे। इसमें 2 फ्लेवर है हमारे पास, और हमको नहीं मालूम, शायद 2 ही फ्लेवर का आता है। तो ये 35 रुपया MRP का बिस्कुट है गुड्डे ब्रिटानिया का, जो काफ़ी ज़्यादा चलता है। ये एक कार्टन में 20 पैकेट का एक कार्टन आता है। ये अगर आप होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं तो ये आपको 630 रुपया पर कार्टन कीना पड़ता है, मतलब 31 रुपीज़ अटेंडिंग करके आपको कीना पड़ता है। एक पीस में आपको 3.5 रुपया मिल रहा है मुनाफा। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं 10-15 कार्टन एक साथ, तब आपको यह 615 रुपया में पर कार्टन आपको कीना पड़ता है। फिर देखिए, यह 10 रुपये वाला न्यूट्री चॉइस जो डाइजेस्टिव बिस्कुट है, देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, चाय स्टॉल में काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो ये एक कार्टन में 72 पीस का एक कार्टन आता है, एक कार्टन में 72 पीस। और ये अगर आप किसी भी होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं ये आपको
45 रुपये में, 645 में ये 72 पीस का एक कार्टन आपको मिल जाता है। 645 में भी मिलता है, 640 भी मिलता है, 640 645 में आपको होलसेलर दुकान से 72 पीस का एक कार्टन मिल जाएगा। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं 10-15 कार्टन, तब आपको ये 630 रुपया में पर कार्टन मिल जाता है। फिर देखिए ये 65 MRP के न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्कुट, देखिए ये 65 MRP का है। ये एक कार्टन में 40 पीस का एक कार्टन आता है, 40 पैकेट का, इस टाइप का 40 पैकेट का एक कार्टन आता है। और ये अगर होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं तो ये आपको 2350 रुपया में 40 पैकेट का एक कार्टन मिल जाता है, 2350 रुपीस में, 2350 रुपया में होलसेल दुकान से आपको कार्टन मिल जाता है, 40 पीस का कार्टन है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं 10 कार्टन 15 कार्टन, तब आपको ये 2320 रुपया, 2320 रुपीस में आपको कार्टन मिल जाता है। मतलब अगर आप होलसेलर दुकान है तो आपको ये एक कार्टन में 30 रुपया मुनाफा हो जाता है। फिर देखिए ये 45 MRP का ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस एरारूट बिस्कुट है। देखिए ये 45 MRP का है, ये एक कार्टन में 20 पीस का एक कार्टन आता है। और ये अभी इसका 45 MRP है, ये एक कार्टन में 20 पीस आता है। और इसका अगर आप किसी भी होलसेलर दुकान से ख़रीदते हैं तो ये आपको 800 रुपया में कीना पड़ता है कार्टन, मतलब 40 रुपया में कार्टन लेने पर 40 रुपया पैकेट पड़ता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं तो ये आपको 790 रुपया में कार्टन मिल जाता है, 10-15 कार्टन एक साथ खरीदने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, आप सबसे गुजारिश है बस अपनी दुआओं में याद रखना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।